गुड मॉर्निंग किड्स. थॉट, बी पोलाइट एंड कीप एवरीवन हैप्पी. इस थॉट का मीनिंग है कि हमें हमेशा पोलाइटली बात करनी चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए. हेलो किड्स, आई एम मिस रिया, योर मोरल वैल्यू टीचर. So in this, we are going to see chapter number 2, Always Be Polite. So let's see one story. The name is The Magic Cave. So let's start the story. A long time ago, a baby monkey was walking through a forest. बहुत सालों पहले की बात है, एक बेबी मंकी था, वो फॉरेस्ट से गुजर रहा था. सडनली ही रीच अ केव विद अ डोर ऑन इट. अचानक वो चलते चलते एक केव के पास पहुंच गया और केव के बाहर एक डोर था. देर वॉज अ साइन सेड आई एम मैजिक केव, से द मैजिक वर्ड एंड यू कैन एंटर. और वो गेट के बाहर एक बोर्ड था, उसमें क्या लिखा था कि मैं मैजिक केव हूँ, अगर आपको अंदर जाना है तो आपको मैजिक वर्ड बोलना पड़ेगा. सो किड्स, समझ में आया ना कि एक बेबी मंकी था, वो जंगल से गुजर रहा था और उसको वहाँ पे एक केव दिखी. केव के बाहर एक बोर्ड था और उसमें लिखा था कि मैं मैजिक केव हूँ, तो अगर जाना है तो मैजिक वर्ड बोलना पड़ेगा. सी द मैजिक केव, दिख रही है ना आपको. द मंकी वॉज सरप्राइज्ड, मंकी तो एकदम सरप्राइज हो गया. ही वॉन्टेड टू एंटर द केव, अभी मंकी को केव के अंदर जाना ही था. ही ट्राइड टू गैस द मैजिक वर्ड्स, मंकी ने गैस करना चालू किया, उसने सोचना चालू किया कौन सा वर्ड होगा कौन सा वर्ड होगा. ही स्क्रीम आबरा का डाबरा, द डोर डिडेंट ओपन. अचानक से मंकी ने चिल्लाया, क्या चिल्लाया, आबरा का डाबरा, पर गेट खुला नहीं. सी, दिख रहे ना मैजिक केव आपको, उसका गेट भी. उसके बाद ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड हगूस पगूस. उसके बाद उसने दूसरा मैजिक वर्ड ट्राई किया, हगूस पगूस, पर डोर तब भी नहीं खुला. द डोर स्टिल डिड नॉट ओपन. ही ट्राइड मैनी मोर मैजिक वर्ड्स, उसने बहुत सारे मैजिक वर्ड ट्राई किए, नन ऑफ देम वर्क, कोई भी मैजिक वर्ड उसके काम में आया नहीं. एग्जॉस्टेड द मंकी थ्रू हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर एंड सेइंग प्लीज डियर केव ओपन द डोर. फिर उसने थक के गेट केव के गेट के पास बैठ गया और उसने क्या बोला, प्लीज डियर केव गेट ओपन कर दो. द डोर सडनली ओपनड, डोर अचानक से खुल गया. द बिग डोर ओपन विद अ लाउड साउंड, और जोर से आवाज़ आई. एवरीथिंग वॉज डार्क इनसाइड द केव, ओनली थिंग वन कुड सी वॉज अ साइन विद सेड. उस डोर का केव का गेट खुल गया और देखने लगा, अंदर तो अंधेरा था, उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, अंदर एक फिर से दूसरा बोर्ड था. वो बोर्ड पे क्या लिखा था, लेट्स सी. सी, दिख रहा है ना केव का गेट ओपन हो गया. क्या बोला, कैरी ऑन विथ योर मैजिक वर्ड, द मैजिक सेड थैंक यू डियर केव. मैजिक वर्ड कौन सा था, थैंक यू डियर केव, और वो बोर्ड पे लिखा था जो मैजिक वर्ड से गेट खुला है उसे ही आप बोलते जाओगे आगे आगे, तो आपको उसी से आपकी हेल्प होगी. सो जैसे ही उसने बोला तो वहाँ पे क्या आ गई, लाइट आ गई. उसके बाद विद दिस द इनसाइड ऑफ द केव लाइट अप ब्राइटली. उसके बाद थैंक यू डियर केव बोला तो वहाँ पे अचानक से लाइट आ गई. देर वॉज अ पाथवे लीडिंग टू अ बिग पाइल ऑफ टॉयज एंड चॉकलेट्स,
वहाँ से एक रास्ता जा रहा था, वहाँ पे एंड में क्या था, एक बड़ा सा चॉकलेट्स और टॉयज का ढेर था। ही द मंकी क्लैप्ड विद जॉय एंड वॉक टू द पाइल। मंकी क्लैप करते करते हैप्पी होते होते चलता रहा वहाँ पे। ही ट्राई टू पिक अप अ चॉकलेट। जैसे वहाँ पे पहुँचा तो देखा बहुत सारी चॉकलेट्स और टॉयज थी, पर जैसे उसने चॉकलेट लेने की ट्राई की, द चॉकलेट वुड स्लिप फ्रॉम हिज हैंड एंड गो बैक टू द पाइल। जैसे उसने चॉकलेट ली, फिर से स्लिप होकर जगह पे चली गई, फिर से ली, फिर से जगह पे चली गई। ही ट्राइड टू पिक अप अ टॉय। उसके बाद उसने बोला कि चलो मैं टॉय ट्राई करता हूँ उठाने के लिए। द सेम थिंग हैपन, फिर से वही चीज़ हुआ। फिर उसने क्या सोचा, डियर केव कैन आई हैव अ चॉकलेट प्लीज़। उसने फिर से चॉकलेट बोला, प्लीज़ बोला। सेइंग दिस ही पिक अप अ चॉकलेट। उसके बोलने के बाद उसने फिर से चॉकलेट उठाई। दिस टाइम डिड नॉट स्लिप। उसके बाद वो चॉकलेट स्लिप नहीं हुई। द मंकी थैंक द केव एंड ईट द चॉकलेट। मंकी ने केव को थैंक यू बोला और उसके बाद उसने वो चॉकलेट खा ली। दिख रहा है ना, मंकी चॉकलेट खा रहा है। सो अभी हम ही क्विकली वेंट एंड ब्रॉट ऑल हिज फ्रेंड टू द मैजिक केव। वो जल्दी से दौड़ के चला गया और उसके अपने फ्रेंड्स को बुला कर आया मैजिक केव में। दे हैड द बेस्ट पार्टी एवर। वो लोग ने वहाँ पे मस्त पार्टी की, चॉकलेट्स खा के एंजॉय किया और टॉयज से खेले। नाउ द मंकी एंड हिज फ्रेंड्स नेवर फॉरगेट टू यूज़ दिस मैजिक वर्ड व्हेन दे टॉक टू एनीवन। सो मंकी और उसके फ्रेंड्स ये मैजिक वर्ड के बारे में बताने में किसी से प्रॉब्लम नहीं है और वो हमेशा याद रखते हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो दे देते हैं। सो किड्स, आपको स्टोरी समझ में आई? सो हमें हमेशा दूसरों से पोलाइटली ही बात करनी चाहिए, भले वो हमसे बड़ा हो या छोटा हो। ओके, अभी हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन टाइम। उसमें क्वेश्चन नंबर वन है, चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर। ओके, तो हम फर्स्ट रीड करते हैं। द बेबी मंकी सॉ अ मैजिक। बेबी मंकी ने क्या देखा, ट्री या केव? तो केव। नंबर टू, द डोर ऑफ द केव ओपन व्हेन द मंकी यूज द मैजिक वर्ड। केव का डोर कब खुला, कौन सा मैजिक वर्ड मंकी ने यूज़ किया था, प्लीज या आब्राकाडाब्रा? तो मंकी ने यूज़ किया था प्लीज। अभी नंबर थ्री, द केव लाइट अप ओनली व्हेन द मंकी डैश इट। जब केव में लाइट कब आई, मंकी ने कौन सा वर्ड यूज़ किया, अब्यूज्ड के थैंक्ड। मंकी ने थैंक्ड वर्ड यूज़ किया तो ही केव में लाइट आई। देयर वॉज अ बिग पाइल ऑफ डैश एंड टॉयज इनसाइड द केव। चॉकलेट्स या बनानास अंदर बहुत सारा क्या था, चॉकलेट्स थी या बनानास थे, तो चॉकलेट्स थी। अभी लास्ट वन, द मंकी एंड हिज फ्रेंड नेवर डैश टू यूज द मैजिक वर्ड्स, रिमेंबर या फॉरगॉट। मंकी और उसके फ्रेंड्स वो मैजिक वर्ड्स को यूज़ करना कभी भूलते नहीं थे। नाउ वी विल सी टाइम फॉर रियलिटी चेक। इन दैट वन क्वेश्चन इज मैचिंग। नंबर वन, इन ए प्लीज इज गिवन। सो किड्स, व्हेन वी आर यूजिंग प्लीज, हम प्लीज वर्ड कब यूज़ कर सकते हैं? समवन गिव अस गिफ्ट, जब हमें कोई गिफ्ट देता है तब यूज़ करते हैं। यू आर लेट एंड मेक समवंस वेट। अभी हम किसी के लिए वेट कर रहे हैं, उसके लिए वेट करना है तो हम प्लीज़ बोलेंगे। कि यू वॉन्ट समवन टू हेल्प, अगर हम किसी को हेल्प करना है तो हमें प्लीज़ बोलना चाहिए। नंबर टू इज़ थैंक यू। हम थैंक यू कब बोलते हैं, समवन गिव अस गिफ्ट, जब हमें कोई गिफ्ट देता है तब हम थैंक यू बोलते हैं। और सॉरी कब बोलते हैं,
यू आर लेट एंड मेक समवंस वेट. अगर किसी हमारी फ्रेंड हमारे लिए वेट कर रही है तब उसे हम सॉरी बोलते हैं. सो योर एंड्स अवर मैचिंग. नाउ वी विल सी डायरी टाइम्स. इन डायरी टाइम वी विल सी फिल इन योर डायरी यूजिंग द गिवन वर्ड्स. सो हियर ब्रैकेट्स इज गिवन एंड वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डेट. देन टुडे आई लर्न अबाउट बीइंग पोलाइट. पोलाइटनेस मेक्स एवरीवन हैप्पी. आई विल ऑलवेज रिमेंबर टू बी पोलाइट. सो किड्स यू अंडरस्टैंड द डायरी टाइम एंड होल स्टोरी. थैंक यू.